नमस्कार, आप देख रहे हैं नित्य न्यूज टीवी में आपका स्वागत है। ये बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों की और मैं आपके साथ विनोद कुमार। कोरोना काल में देवदूत बनकर आए युवक द्वारा की जा रही गौ सेवा, कन्यादान में कोरोना काल के इस युग में जहां एक ओर मनुष्य घरों में कैद है तो दूसरी ओर सेवा भाव से एक युवक को बेजवान जानवरों की फिक्र है। यही कारण है कि नगर के अनुराग अग्निहोत्री नामक युवक द्वारा नगर के विभिन्न स्थानों पर बेजवान गायों के लिए अपनी ओर से भूसा आटा नमक से निर्मित सानी एवं पानी की व्यवस्था करके अपनी निजी गाड़ी द्वारा भूखी प्यासी आवारा घूम रही गायों को खिलाया पिलाया जा रहा है। जहां अभी तक किसी ने भी इनके बारे में नहीं सोचा, वहीं ऐसी गायों के लिए देवदूत बनकर आए अनुराग अग्निहोत्री ने निजी पैसे से बगैर किसी की मदद के इन गायों के लिए खाने पीने की व्यवस्था की है। कन्यादाना से मुकेश प्रजापति की खास रिपोर्ट। भाई साहब, आपका नाम? मेरा नाम अनुराग अग्निहोत्री है जी, और जो कन्यादाना का रहने वाला हूँ जिला शिवपुरी। जो ये गौ सेवा कर रहे हैं आप, आपके मन को कैसा लगता है गौ सेवा करने से? अब मैं क्या है कि एक दो बार यहाँ से नगर में आना जाना तो रहता ही है लॉकडाउन में, तो गायों को देखा कि इन्हें पानी पीने की व्यवस्था नहीं है कहीं पर भी, तो यहाँ वहाँ गंदी नाली का पानी पीते घूम रहे हैं जानवर। और खाने की व्यवस्था तो ये कंडीशन थी कि जब मैंने इनको देखा तो यहाँ वहाँ कूड़ा ककड़ा या पॉलीथिन वगैरह जो भी उल्टा सीधा मिल रहा है वो सारी चीज़ें खा रही थी ये। तो मुझे अपने मन में आया कि कहीं से भी ऐसी जो है भगवान कृपा करे कि ऐसी इनकी व्यवस्था कुछ हो पाए खाने पीने की। भले इनकी हम भूख तो खैर पूर्ण रूप से नहीं मिटा सकते, लेकिन फिर भी कम से कम ये जो है जितना भी आहार इनको हम करवा सकते हैं तो उतनी भगवान ने हम पर कृपा की और ऐसा जो है विचार उनने बनाया और हमने ये काम चालू कर दिया। अपनी मारुति वैन है तो इसको मैंने गौ सेवा के लिए ही समर्पित कर दिया है। इसमें पानी की टंकी भी रखी हुई है जिसमें नगर 25 करीब टंकी रखी हुई है, तो उसमें हम साथ में पानी भी भरते हैं और ये इसमें सानी बना के लाते हैं आटा वगैरह डाल करके नमक वगैरह डाल करके पूरा सिस्टम बना करके लाते हैं। और जहाँ जहाँ गाय रहती हैं, वैसे तो हमारे 5-7 स्टॉप हैं अलग अलग, वहाँ तो हम डालते ही हैं लेकिन कहीं कहीं बीच में कहीं और भी गाय मिल जाती हैं और हमें लगता है यहाँ पर ज़रूरत है तो हम वो वहाँ पर सेवा कर रहे हैं डाल रहे हैं। बस केवल कष्ट इस चीज़ का है कि मतलब ये जब से मैंने शुरुआत की है तो आज कंडीशन ये है कि मुझे कई बार शाम को मेरी गाड़ी में जो है भूसा नहीं बचता, सानी नहीं बचती है और गाय कहीं कहीं रह जाती हैं। तो उसका मुझे अपने अंतर मन में बड़ा कष्ट होता है कि मैं काश इसकी व्यवस्था थोड़ी सी और अच्छे स्तर से कर पाता। बस यही चाहता हूँ सभी समाज सेवक जितने भी लोग हैं और गौ सेवक लोग हैं तो वो सब लोग थोड़ा सा इसमें हमारा सहयोग करें, हाथ बटाएं तो आगे ये अच्छे स्तर से जो है चल सके, यही मेरा कहना है। जय श्री राम। क्या आपको प्रशासन से कोई मदद मिलती है? नहीं, प्रशासन से कोई मदद नहीं मिली है, ना मैंने प्रशासन से मदद के लिए कोई किसी कहीं पर भी डिमांड भी नहीं की है कि मैंने किसी प्रशासन से कोई डिमांड मांगी हो या किसी कुछ कहा हो। बस ये है कि अब सेवा कर रहे हैं, लोग बाग देखेंगे कि सेवा सही हो रही है और जरूरत भी है तो धीरे धीरे लोग बाग अपने आप जो है इसमें सहयोग करेंगे, ये मुझे पूरा भरोसा।